स्कीम से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन हमारे आगामी परीक्षाओं में आएंगे गाइस, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो ये वीडियो हमारा रहेगा अच्छा सा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 10-12 मिनट का रहेगा, ठीक है। 10-12 मिनट में आपके कम से कम 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे गाइस, ठीक है। मैं शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीज़ देने की कोशिश करता हूँ गाइस, आप देखा करें, ठीक है, लाइक भी कर दिया करें, देखा करें, कमेंट किया करें, ठीक है, और उसको नोट भी कर लिया करें, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारे लिए, ठीक है, क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं फूड सेफ्टी मित्र स्कीम गाइस। देखिए, फूड सेफ्टी मित्र स्कीम है जो केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी गाइस, ठीक है, 16 अक्टूबर 2019 को गाइस, 16 अक्टूबर 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में किस मिनिस्टर ने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, फूड सेफ्टी मित्र स्कीम। अब इसमें क्या, फूड टेस्टिंग करना है, कर्मचारियों का पूरा ऑडिट रखना है जो फूड में काम कर रहे हैं, और ये किसके अंदर में काम करेगा गाइस, फसाई, फसाई, ठीक है ना, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक एजेंसी है जो इसके अंदर में काम करेगी, ठीक है। सही गुणवत्ता, सही पहचान, जांच पड़ताल कर ये सारी चीजें होती है गाइस। तो स्कीम 16 अक्टूबर 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री थे उस समय, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर भी थे, तो उस समय की बात है, 2019 में स्कीम लाई गई थी। नेशनल ई असेसमेंट स्कीम, ई असेसमेंट स्कीम अक्टूबर, लगभग 7 अक्टूबर 2019 को लाई गई थी गाइस ये, ठीक है, 7 अक्टूबर 2019 को लाई गई थी। ये किसके लिए आएगी? फॉर इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स पे करदाताओं के लिए, याद रखना, करदाताओं के लिए ये स्कीम लाई गई गाइस, ठीक है। नेशनल ई असेसमेंट स्कीम मतलब राष्ट्रीय ई निर्धारण योजना 7 अक्टूबर 2019 को की गई थी, फॉर इनकम टैक्स पे करदाताओं के लिए की गई है, करदाताओं के लिए। एक और बात की गई, 30 जो जून निकल गया है, मैं आपको बता दूं, 30 जून तक जिन्होंने अपने आधार को पैन को आधार से लिंक किया है, तो उसकी डेट भी 2023 तक थी गाइस। अब सरकार देखते हैं इस पर कुछ और कंसिडर करना चाहे, क्योंकि आगे बात, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 फाइन पर, 1000 फाइन लगा दिया गया है, मतलब 1000 फीस पर आप पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं आधार से गाइस, ठीक है। आधार और पैन आपका लिंक होना चाहिए, ये जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी कर दिया है, अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, निष्ठा स्कीम। निष्ठा स्कीम किससे संबंधित है? पहला पॉइंट ये रहेगा, ये रिलेटेड है गाइस एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है, याद रखना। अब एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसमें क्या था, लगभग देश के 22 लाख टीचर्स को क्या करना है, ट्रेंड करना है, टीचर्स को ट्रेंड करना है गाइस, ट्रेंड माने प्रशिक्षित करना है, लगभग 22 लाख देश के 22 लाख अध्यापकों को यहां पर इस स्कीम के द्वारा क्या करना है, एक तरह से प्रशिक्षित करना है उनको, हर चीज डिजिटल से लेकर आपके सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और टॉकिंग और एड्रेसिंग, स्पीच, सब कुछ, मतलब सब कुछ इसमें देखा जाएगा निष्ठा स्कीम के अंडर में गाइस। 42 लाख टीचर हैं पूरे देश के, टीचर्स को देखा गया है निष्ठा के अंदर में इनको ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके टीचर के साथ साथ आपके प्रिंसिपल भी होंगे। और ये प्रोग्राम किसके अंडर में रहा, HRD मिनिस्ट्री था पहले, MHRD, अब ये क्या बन गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री गाइस। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके अंडर में है, मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान गाइस, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, याद रखना। इस समय कौन है ये, एजुकेशन मिनिस्टर है, पहले क्या थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अब एजुकेशन मिनिस्टर है, याद रखना। नेक्स्ट, पीएम किसान पेंशन 31 मई 2019 को शुरू की गई है, मतलब ऐसे किसान जिनकी कोई आय नहीं है, और ऐसे किसान जो मजदूरी पर किसानी करते हैं, लीज पर लैंड या फील्ड या खेत ले लेते हैं, उनको सरकार किस उसमें रखेगी, स्कीम में, पेंशन स्कीम में रखेगी, ठीक है, पेंशन देगी उनको,
ये स्कीम 31 मई 2019 को लागू कर दी गई है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट संगम प्रोजेक्ट। संगम प्रोजेक्ट शुरू हुआ मार्च 2019 में, किसके लिए हुआ? फॉर सैनिटेशन, मतलब स्वच्छता के लिए, स्वच्छता के लिए ये शुरुआत की गई, स्वच्छता के लिए शुरुआत की गई है गाइस। ठीक है, अब स्वच्छता आ गई है संगम प्रोजेक्ट में, तो आपसे पूछा जाए स्वच्छ शहर कौन सा है आपका, तो आप बताएंगे इंदौर है, फर्स्ट नंबर पर इंदौर है स्वच्छ शहर में। ठीक है, हमेशा ये 2-3 बार रैंक अच्छी लेके आया है इंदौर। ठीक है गाइस, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जीवन योजना कब शुरू हुई? 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय जीवन योजना, वन मतलब फॉरेस्ट योजना है, फॉरेस्ट से शुरू है। फॉरेस्ट में मतलब क्या करना है, इसको हमें बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, प्लांटेशन करना है, हॉर्टिकल्चर करना है। ठीक है, बाग बगीचे लगाने हैं, सड़कों के किनारे लगाने हैं, तो इसके लिए हम तो एनवायरमेंट वन एक्ट भी लेके आए हैं, साथ में वन विभाग भी लेके आए थे हम लोग। यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, वन विभाग भी लेके आए थे 1980 में लेके आए थे वन विभाग लेके आए थे। ठीक है, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट भी लेके आए थे, प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 भी लेके आए थे इसके लिए, क्योंकि राष्ट्रीय जीवन योजना है तो वन विभाग भी लेके आए थे 1982 में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी लेके आए थे 1986 में, और एनवायरमेंट डे इसलिए मनाया जाता है, एनवायरमेंट डे आप जानते हैं, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वही शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब से, 1973 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट राष्ट्रीय जीवन योजना जो 28 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई थी, किसके माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से गाइस। ठीक है, याद रखना, बहुत सारे पॉइंट लिखने को, तो बहुत सारे पॉइंट बता दूं, वन अनुसंधान केंद्र आया था, देहरादून बना था 1905 में। ठीक है, कई सारे प्लान बनाए गए थे और उस समय 1973 से लेकर 86 से लेकर 80 से लेकर सब कुछ किया गया वनों के लिए जितना होना चाहिए। फिर जीवन में योजना में और अमेंडमेंट किए गए थे। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, पीएम श्रम योगी स्कीम 15 फरवरी 2019 को आई गाइस। पीएम श्रम योगी, श्रम योगी मतलब ऐसी लेबर क्लास मतलब ऐसे मजदूर, मतलब मजदूर लिख सकते हैं, ऐसे मजदूर जिनकी आय कितने से कम हो, 15,000 से कम हो, 15,000 से कम हो, उनके लिए ये स्कीम है गाइस, पीएम श्रम योगी स्कीम। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ अगर इतने से कम है तो वो कुछ पैसे पे करके आगे अपना पेंशन ले सकता है सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, याद रखना, वेतन याद रखना 15,000 से कम होना चाहिए, तो ये एलिजिबल है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सिविल विजिलेंस कमीशन। ठीक है ना, विजिलेंस कमीशन के कौन बने हैं डायरेक्टर? ठीक है, विजिलेंस कमीशन के डायरेक्टर बने प्रवीण कुमार सिंह, सीबीसी के डायरेक्टर। सीबीसी की स्थापना कब हुई थी गाइस? 1963 में हुई थी। ठीक है, तो सीबीसी मतलब एक तरह से विजिलेंस है, जो करप्शन जो करते हैं लोग उन पर छापा मारती है सीबीसी। ठीक है, तो उस पर अब बैठे हुए हैं, अभी हाल ही में आए हैं डायरेक्टर साहब, जो डायरेक्टर बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सीबीसी के चार्ज इन्होंने संभाला है, और सीबीसी 1963 की है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, याद रखना न्यू दिल्ली है। ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस, एक ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुआ गाइस, कहां? लंदन में। ग्लोबल हेल्थ किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहां हुआ है? लंदन में हुआ है। लंदन किसकी कैपिटल है? ब्रिटेन की कैपिटल है, और ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड है, याद रखना। करेंसी मतलब मुद्रा क्या है? पाउंड है। हेल्थ से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस किया गया है लंदन में। भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर देखेंगे, काम सही कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो
जैसे कोविड हो या फिर पोलियो हो, वो दवाई सब हमने ही बनाई है दुनिया में, किसी देश ने नहीं बनाई, ये अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ देखा गया हेल्थ कॉन्फ्रेंस में तो हम थोड़ा डाउन थे। लंदन में पार्टिसिपेट जब किया था भारत ने, तो वहाँ पर थोड़ा हेल्थ सेक्टर को लेकर, तो कितनी बड़ी जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या है, अगर देखा जाए 10,000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर है, तो आप बताइए किस तरह से हम इम्प्रूव कर पाएंगे। हर घर में कोई बीमार व्यक्ति पैदा हो रहा है, कहते हैं डायबिटिक पेशेंट हर साल 70 से 80 लाख मर रहे हैं, 50 लाख मोटापे के कारण मर रहे हैं, बताइए। बाकी टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स है, बाकी छोटे छोटे और वायरस बैक्टीरिया हैं जिनसे जान चली जाती है। तो गाइस क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना या तो हेल्थ डाइट को अपना मेंटेन रखें, तरीके से दाल रोटी हरी सब्जी खाएं, दूध दही मठा खाएं। हम फास्ट फूड पर डिपेंड क्यों हो रहे हैं, फास्ट फूड हम रिजेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। खाइए मतलब 2-4 महीने में एक बार खा लिए कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसको अगर आप टेंडेंसी बना लेंगे कि नहीं लगातार खाना ही है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइस बाल हेयर वगैरह डेड स्किन होती जाएगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्किन पर मतलब आपकी बॉडी पर पड़ता जाएगा। तो थोड़ा अच्छा रखें हेल्थ को, क्योंकि